मुंब्रा शहर में उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से फ्री मेडिकल एड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा गया था, जिसमें कई विकलांग बच्चों को मेडिकल एड दिया गया। इसमें मनपा अधिकारी मनीष जोशी, पूर्व नगर सेवक राजन कीने भी मौजूद रहे और खुद इन लोगों ने अपने हाथों से विकलांग बच्चों को वितरित भी किया। उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष परवेज फरीद ने बताया कि उनके उम्मीद फाउंडेशन स्कूल में 180 बच्चे पढ़ते हैं जो दिव्यांग है, और उनकी मदद के लिए, उनके पढ़ाई के लिए हर वक्त उम्मीद फाउंडेशन आगे रहता है। ऐसे में जिन बच्चों को चलने में तकलीफ होती थी, जो बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, ऐसे माजूरों के लिए फ्री मेडिकल एड दिया गया है। उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष परवेज फरीद ने इस पर जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले जो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की ऐसी कई स्कीम्स हैं जो डिफरेंटली एबल को रिहैब करने का काम करती है, उसी में से गवर्नमेंट की एक टीम कमेटी है जिसको महाराष्ट्र स्टेट डिसेबिलिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मारिया मुंबई की जानिब से ये डिसेबिलिटी रिहेबिलेशन सेंटर यानी DDRC के अंडर में ये प्रोजेक्ट्स आता है, जिसके ज़रिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कोई भी डिफरेंटली एबल को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। किसी भी किस्म का इक्विपमेंट उसके हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसको फुलफिल किया जाता है। तो लास्ट मंथ हमने इन तमाम जो डिजिंग पर्सन है, जो ज़रूरतमंद है, उनको सबको पहले उम्मीद में बुलाया, उनकी साइजेस ली, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, और उसके बाद में ये पूरा प्रोसीड हमने गवर्नमेंट को जाकर सबमिट कर दिया। और आज 3 बजे हमारे दरमियान में मनीष जोशी साहब डिप्टी कमिश्नर वो शामिल थे, राजन कीने साहब थे, और कई अधिकारी जो है वो भी शामिल जो थे, शिरके मैडम भी थे समाज कल्याण डिपार्टमेंट के, उनके नेतृत्व में तमाम ये इक्विपमेंट बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें कैलिपर शूज़, व्हीलचेयर, कमोड, क्रेंचेस, और जिसको आप कह सकते हैं कि लिम्स, हाथ जो होता है वो, तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो बिल्कुल फ्री में तकरीबन 67 जो है बेनिफिशरीज को हमने बेनिफिट पहुँचाया। मैं तमाम ऐसे डिफरेंटली एबल और ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कहीं भी डिफरेंटली एबल आपको पूरे ठाणा कॉर्पोरेशन में नज़र आए तो ज़रूर उम्मीद फाउंडेशन में उनको भेजें, और ख़ास तौर पे उनका यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड ज़रूर बनाएं, उनका आधार कार्ड ज़रूर बनाएं सर। इसी कार्ड के बेसिस पे गवर्नमेंट की सभी सुविधाएं, सभी स्कीम उनको उपलब्ध की जा सकती है। अदरवाइज़ अगर ये डॉक्यूमेंट सर नहीं रहेंगे तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे बीच में फ्लाइट की स्कीम्स आई थी, उनको जाती मकान दिए गए, इनको शॉप की आई थी, ऐसे बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की आती है। लेकिन डिफरेंटली एबल के पास में अगर UDID कार्ड, डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट नहीं होता है, यही वजह है कि वो स्कीम से महरूम हो जाते हैं, उन्हें वो बेनिफिट नहीं हो पाता है। परवेश भाई, डेप्यूटी कमिश्नर मनीष जोशी के साथ आपकी कुछ बातचीत हुई थी और आपने कुछ अपील भी की है कुछ G+1 को लेकर, कई ऐसे अन्य चीजों को लेकर। नहीं सर, जी जी, असल में उनको ये प्रॉब्लम्स बताया हमने कि यहाँ पर डिफरेंटली एबल मुमरा और दीवा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की सर कि ये भी जगह हमें बहुत कम पड़ती है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि इन तमाम बच्चों के लिए हम एक परफेक्टली प्लान पुट अप करेंगे कमिश्नर के सामने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें हम सपोर्ट करने की बात करें सर।